निर्माता प्रकाश मंडल, स्वाति मंडल, निर्देशक राखी शांडिल्य, सितारे सुमित व्यास, कल्की केकला, कियारा मजीठिया। रेटिंग: इसे पिंक महसूस करें या ब्लू, यह रिबन सही ढंग से नहीं बांधती। महानगरीय जीवन में एक दंपति माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अचानक खुद को इस परिस्थिति में पाते हैं। दोनों का करियर अच्छा चल रहा है और जिंदगी नया मोड़ ले लेती है। रिबन मुंबई में रह रहे करण मेहरा, सुमित व्यास और सहाना मेहरा, कल्की कोचलिन की कहानी है। अति मॉडर्न जिंदगी में जहां ठहरने के लिए वक्त नहीं, नन्ही बच्ची के उनके जीवन में आते ही जैसे ब्रेक लग जाता है। सहाना को 3 महीने के मातृत्व अवकाश के बाद पता चलता है कि दफ्तर में उसका ओहदा कम कर दिया गया। चुकाने के लिए घर की तमाम EMI ज्यों की त्यों हैं और परिवार का खर्च कुछ बढ़ गया है। नई नौकरी ढूंढना आसान नहीं। आर्किटेक्ट करण लोनावाला में बन रहे प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है, जहां कम से कम 1.5 साल लगेंगे। परिवार अचानक बिखर सा जाता है। इस बीच सहाना को नई नौकरी मिलती है और वक्त का पहिया तेजी से घूमता है। रिबन एक लंबी कहानी है, जिसे काट छांट कर जल्दी जल्दी समेटा गया है। 2.25 घंटे में 5-6 साल का वक्त गुजरता है, लिहाजा बहुत कुछ स्क्रिप्ट राइटरों तथा डायरेक्टर के हाथों से फिसल गया है। नतीजा, फिल्म कमजोर पड़ गई। कुछ दृश्य अनावश्यक हैं, बेहतर संपादन की कमी महसूस होती है। इसमें संदेह नहीं कि उच्च मध्यम वर्गीय अति मॉडर्न दाम्पत्य के जीवन के कुछ पल यहाँ खूबसूरती से दिखाए गए हैं, लेकिन कुल जमा कहानी असर नहीं छोड़ती, ढीली होकर बिखर जाती है। फिल्म दाम्पत्य के उतार चढ़ाव, महत्वाकांक्षाओं, समझौतों से शुरू होती हुई अचानक बच्ची के यौन शोषण की तरफ मुड़ जाती है और अंत में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती। मुंबई की बेबस निरीह नीरस जिंदगी में इस दाम्पत्य कथा का अंत अंधे मोड़ पर ठहर जाता है। रिबन आज के दौर के महत्वाकांक्षी महानगरीय दाम्पत्य की कुछ निराश तस्वीरें पेश करती है। स्क्रिप्ट में गहराई नहीं है और इसका असर सुमित और कल्की जैसे अभिनेताओं के परफॉर्मेंस पर भी पड़ा है। खास तौर पर मार्गरीटा विद डॉलर स्ट्रॉ जैसी फिल्म कर चुकी कल्की यहां कई दृश्यों में प्रतिभा से न्याय करती नजर नहीं आती। आप उनसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। निर्देशक राखी शांडिल्य की यह पहली फिल्म है और वे इसके नतीजे से बहुत कुछ सीख सकती हैं।